हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड अल्बर्ट अब्राइट लाइफ। ठीक है, जो रिचर्ड अब्राइट थे उनके लाइफ में एक बुक जो थी किस तरह से उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होती है। आंसर है द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंसेस फॉर रिचर्ड। बेसिकली एक बुक था जो कि ट्रेवल ऑफ अ मोनार्च उनके लिए क्या हुआ, रिचर्ड के लिए एक तरह से दरवाजा खोल दिया। ठीक है, आफ्टर रीडिंग इट यानी इस बुक को पढ़ने के बाद ही बिकम इंटरेस्टेड इन द ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ अ बटरफ्लाइज। इस बुक को पढ़ने के बाद वो क्या हो गए, बटरफ्लाई को ट्रैकिंग करने लगे और बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में पता लगाने लगे। दिस इंटरेस्ट लेड टू द हिज अदर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी इस तरह के आइडिया क्या हुआ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया। फाइनली ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। और फाइनली क्या हो जाते हैं, जो रिचर्ड अब्राइट होते हैं वो ग्रेट साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, यानी जो रिचर्ड की मम्मी थी उनको किस तरह से हेल्प करती थी। तो आंसर है रिचर्ड्स मदर प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प। जो रिचर्ड की मम्मी थी बेसिकली वो काफ़ी ग्रेट हेल्प थी, मतलब हेल्पर थी, मतलब हेल्प करती थी रिचर्ड की। सी टूक हिम ऑन अ ट्रिप्स एंड ब्रॉड साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम। वो क्या करती थी, उनको ट्रिप पर भी ले जाती थी और उनके लिए अच्छे अच्छे साइंटिफिक जो होता है इक्विपमेंट भी, सामान भी लाकर देती थी। सी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग ऑफ चैलेंजेस फॉर हिम। वो क्या करती थी, ज़्यादातर टाइम वह रिचर्ड के पास ही बिताती थी। सी हेल्प हिम टू लर्न अलॉट। वो क्या करती थी, रिचर्ड को ज़्यादा सीखने पर जोर देती थी। ठीक है, सी प्रेजेंटेड हिम टू द बुक द ट्रेवल ऑफ अ मोनार्च। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर। और उन्होंने क्या किया, जो रिचर्ड की मम्मी थी उन्होंने द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च जो बुक था उनको क्या किया, प्रेजेंट किया। ओके, सो पेज नंबर 34, क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट लेसन डज अब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंटिस्ट फेयर। जब साइंटिस्ट फेयर था, जब लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, ठीक है, जो अब्राइट थे उन्होंने क्या लेसन यहाँ पर सीखा जब उन्होंने प्राइज या उनको कुछ अवार्ड नहीं मिला। तो आंसर है अब्राइट एग्जीबिटेड स्लाइड्स फॉर फ्रॉग टिश्यू एट द साइंस फेयर, ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज। यानी वो क्या, अब्राइट जो थे वो बेसिकली एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ठीक है, और उसका जो था वो साइंस फेयर था, मतलब लोग प्रेजेंटेशन दिखाते थे, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, जो अब्राइट यानी रिचर्ड अब्राइट थे उन्होंने कोई भी प्राइज नहीं जीता। ही लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। उन्होंने सीखा कि जो साइंस बेसिकली एक दिखाना ही नहीं है कि वो साइंस है, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में है और एक्सपेरिमेंट के बारे में होता है। ही बिगेन टू कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द दैट डे ऑनवर्ड्स। और उस दिन से उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही डू देन अंडरटेक, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट पर जो रिचर्ड थे उन्होंने काम करना शुरू किया। आंसर है ही अंडरटुक मनी प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ढेर सारे प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू किया। ही वर्कड ऑन वायरसी बटरफ्लाइज टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्च बटरफ्लाइज। ठीक है, उन्होंने ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम किया। ही वर्कड ऑन वायरसी बटरफ्लाइज, उन्होंने बटरफ्लाई पर भी काम करना शुरू किया, रानी बटरफ्लाइज, राजा बटरफ्लाइज। ठीक है, ही स्टडी ब्राइट स्पॉट ऑन द मोनार्च पापा एंड डिस्कवर्ड अ न्यू हॉर्मोन। यानी वो ढेर तरह के क्या करते थे, तितलियों पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, और उन्होंने एक हार्मोन का भी खोज किया था। एंड आल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। और उन्होंने ये भी पता लगाया जो सेल से डीएनए को किस तरह से रीड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। तो आंसर है देर आर 3 एसेंशियल क्वालिटी दैट मेक अ साइंटिस्ट, यानी यहाँ पे 3 क्वालिटी हैं जो कि उनको एक साइंटिस्ट बना सकता है। जैसा फर्स्ट है एट द रेट माइंड। रेट माइंड, रेट मीन्स होता है निर्धारित करना, किसी भी चीज को अगर हम निर्धारित कर लेते हैं तो वहां तक हम लोग पहुंच ही जाते हैं। दूसरी बात है
प्रजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने के बारे में आपको, आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरी बात और लास्ट बात है कि देयर विल बी टू द बेस्ट एंड विन, और आपको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा जीतने के लिए, ठीक है। तो आपको ये तीन क्वालिटी आपके अंदर रहनी चाहिए तो आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।